तो भाई मुझे रेनकोट निकालना पड़ेगा क्योंकि बारिश काफ़ी भयंकर लग गई है और मेरा कैमरा भी ख़राब हो जाएगा भाई, तो मुझे ये भी पैक करना पड़ेगा सीधा। तो भाई कल के बारे में कुछ नहीं बता सकता मैं। लगभग यहाँ पर मैंने कहा था कि 5:30 पर मैं यहाँ पर था ब्यासी में कल, और कल काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई मेरी, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा। मैं ये नहीं बता सकता मैं कल कहाँ सोया था भाई, ये ऐसी चीज़ नहीं बता सकता भाई, सही में कह रहा हूँ। अगर मैंने बता दिया तो छोड़ो कुछ नहीं। और कल मैं ब्यासी में ही रुका था और यहाँ से मैं निकल रहा हूँ आज। मैं नाश्ता नुश्ता कर दिया, इस समय लगभग 7 बज रहे हैं। तो जैसे मैं ब्यासी का रूट तय कर रहा था, वैसे मेरे गांव का एक लड़का रहता है, यहाँ पर जॉब करता है, नौकरी करता है, तो उसने मुझे कॉल किया कि भाई कहाँ पर हो भाई जी, क्योंकि मैंने व्हाट्सअप पे स्टोरी लगाई थी यहाँ की, तो उसने कहा कि मिलने के लिए आ रहा हूँ, आप वहीं पर रुको। तो मैं इसलिए वहाँ यहाँ पर रुका हूँ। देख रहे हो ब्यासी बस इस मोड़ के आगे पे है, उस मोड़ के आगे पे, और मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। थोड़ा 2 मिनट वेट कर लेता हूँ जब तक भाई मिलने के लिए आता है। और यहाँ पर भाई गाई बेटा कुछ तो है नहीं मेरे पास है। आपका नाम क्या भाई? ताजवर सिंह। ताजवर सिंह भाई कहाँ रहते हो आप? साहब मैं यही ब्यासी में रहता हूँ। ब्यासी में, तो यहाँ पर अपने गोलू भाई यहाँ पर ठीक है, जानते होंगे भाई। तो भाई का उत्साहवर्धन के लिए इनका यूट्यूब चैनल जरूर देखें, बाकी मैं भी इनका यूट्यूब चैनल शुभम राठौर के नाम से अपने फेसबुक पर डालूंगा। आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप भाई का उत्साहवर्धन बढ़ाएं। भाई अगस्त मुनि के केदार घाटी से और लेह लद्दाख हमारा कम से कम 1200 किलोमीटर पैदल यात्रा कर रहे हैं भाई। आप इनका यूट्यूब चैनल देखकर भाई का जरूर उत्साहवर्धन बढ़ाएं और देखें भाई की यात्रा कैसे। मैं बाबा केदार से कामना करता हूँ कि इनकी यात्रा को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। धन्यवाद। तो ये हमारे गांव के भाई यहाँ पर नौकरी करता है भाई, ठीक है ना। और मैं सुबह के टाइम में जब नाश्ता कर रहा था तो मैंने उसके बाद पोस्ट डाली वैसे मतलब फेसबुक और व्हाट्सअप पे, तो इनके पास मेरा नंबर है, तो इन्हें देखा तो इन्हें सीधा तुरंत कॉल किया कि भाई कहाँ पर है। तो मैंने कहा कि मैं जस्ट थोड़ा से आगे पे हूँ, लगभग 10-15 कदम पे, इसलिए मैं यहाँ पर रुक गया फिर मिलने के लिए आगे भाई। और यहाँ से सीधा अपना ट्रैक स्टार्ट करते हैं। वैसे भी धूप होने वाली है, मौसम तो वैसे ख़राब है, वैसे बहुत भयंकर ख़राब हो रखा है, धूप लगेगी नहीं आज तो। धूप ना ही लगे तो बढ़िया भाई, क्योंकि धूप में फिर बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत। तो अब हम निकल रहे हैं अपने ट्रैक पे। थोड़ा भाई से मिल गए थे, उनने कॉल करके मेरे को कहा था कि मिलने के लिए भाई कि कहाँ पर हो तुम, और फिर ये भी कहा था कि भाई तुमने कल कॉल क्यों नहीं की, क्योंकि भाई मेरे को याद नहीं था इतना, कल काफ़ी भयंकर बारिश हुई, बहुत भयंकर बारिश, और मेरे को कहीं सोने की जगह नहीं मिली। मगर मुझे पता मैं कैसे सोया भाई, मैं वो चीज़ बता नहीं सकता आपको। यहाँ से भाई लगभग 30 किलोमीटर है, मतलब ब्यासी से ऋषिकेश लगभग 30 किलोमीटर है भाई, ठीक है। आधा किलोमीटर तो आ ही गया हूँ, तो 30 ही मान के चलो कि 30 किलोमीटर होगा यहाँ से भाई। तो आज भाई मुझे मेरा चौथा दिन है, मतलब घर से मुझे 4 दिन हो गया, आज मेरा चौथा दिन चल रहा है, ठीक है। तीसरा दिन मेरा यहाँ पर पीछे पे निकला है और चौथा दिन आज ऋषिकेश जा रहा हूँ मैं, मतलब आज 4 दिन हो गए मुझे ऋषिकेश में। और तो ये भाई हाल ही में नया पुल बना है ब्यासी से लगभग 2 या 3 किलोमीटर पे नया पुल बना है, इससे पहले नहीं था ये पुल। अभी लगभग इस पुल को लगभग 1 साल हो गया होगा बने हुए, और काफ़ी अच्छा पुल बना रखा है अभी। भाई क्या व्यू आ रहा है, तो देख रहे हो नीचे लोग भाई राफ्टिंग कर रहे हैं। मौसम काफ़ी ख़राब हो रखा है, मगर बारिश वाला मौसम हो रखा है भाई, देख रहे हो। और मैं काफ़ी आगे आ गया हूँ और लोग इस टाइम पे भी राफ्टिंग कर रहे हैं भाई। चलो अच्छी बात है, मौसम काफ़ी अच्छा है वैसे भी, इस टाइम पे कर सकते हैं राफ्टिंग, बारिश होने वाली है भाई। तो भाई शिवपुरी पहुंचने वाला हूँ,
ब्यासी से लगभग 13 या 14 किलोमीटर है शिवपुरी, और अब मैं जहाँ पर आया हूँ यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर पे है शिवपुरी भाई। तो भाई हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है, और मैंने सोचा था शिवपुरी में पहुँचूँगा तो वहाँ पर नहाऊँगा एक बार, फिर उसके बाद कपड़े धोऊँगा, क्योंकि लगभग ये मैंने 4 दिन से कहीं यही कपड़े पहन रखे, आज मेरा 4th दिन है, तो काफ़ी गंदे हो गए, इनको धोना था भाई, मगर बारिश स्टार्ट हो गई है, हल्की हल्की बारिश पड़ रही है। और लगभग यार भाई शिवपुरी से मैं लगभग 2 किलोमीटर पीछे हूँ, देख रहे हो लोग राफ्टिंग कर रहे हैं यार नीचे भाई, देख रहे हो नीचे काफ़ी लोग मज़े ले रहे हैं भाई। कुछ साल पहले मैंने भी राफ्टिंग की थी भाई, काफ़ी मज़ा आता है भाई। तो भाई मेरे चप्पल से हवा कट रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और अब मैं जूते पहन रहा हूँ क्योंकि यार ये चप्पल अब बंद करता हूँ भाई, इसमें बहुत चल गया मैं, अब दर्द भी हो रहा है भाई, जूते पहनते तो मैंने पहन लिए भाई जूते अब, क्योंकि भाई चप्पल पहन पहन के काफ़ी दर्द होना स्टार्ट हो गया था दोबारा, इसलिए मैंने जूते पहन लिए। तो लगभग चप्पल भी सही है, और जूते कभी कभी चप्पल कभी कभी जूते, ऐसे में छाले भी नहीं पड़ेंगे और पाँव भी ठीक रहेंगे। और भाई धूप, फिर धूप आ गई, अभी कुछ टाइम पहले बारिश वाला मौसम हो गया था, अब फिर दोबारा धूप आ गई। तो भाई हम पहुंच गए शिवपुरी भाई, ठीक है, और यहाँ से भाई सब राफ्टिंग कर रहे हैं, सब मज़े कर रहे हैं भाई, यहाँ राफ्टिंग चल रही है, और यहाँ पर से लगभग ये 18 किलोमीटर, यहाँ पर से मैंने भी किया राफ्टिंग, और लगभग 1800 किलोमीटर है भाई यहाँ से, और 1200 में पड़ता है भाई, 1800 किलोमीटर का 1200 में पड़ता है 1% का भाई, मैंने भी कर किया लगभग 1 साल पहले राफ्टिंग यहाँ पर। तो देख रहे हैं भाई, तो ये देखो नीचे भाई सब नीचे खड़े हैं राफ्टिंग के लिए, लाइन से बारी भाई, यहाँ तक लगी हुई भीड़ पूरी भाई बोट की। भीड़ बहुत है भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई, बहुत ज़्यादा। तो ये है भाई शिवपुरी का मार्केट, यहाँ से होती है राफ्टिंग भाई। तो देख रहे हो भाई चारों तरफ टेंट ही टेंट, सारे फौजी हैं, सारे फौजी BSF वाले हैं शायद से, सारे के सारे मज़े उड़ा रहे हैं भाई यहाँ पर तो सारे। तो लगभग मैं शिवपुरी से भाई 1 किलोमीटर आया हूँ, और ये भी शिवपुरी का मार्केट है, शिवपुरी के अंदर आता है सारा ये भाई। और ये है भाई शिवपुरी बाईपास रोड, तो भाई शिवपुरी बाईपास का कुछ व्यू कुछ ऐसा है, सब राफ्टिंग कर रहे हैं भाई सब के सब। तो भाई मैं लगभग रोड वहाँ पर पे और वहाँ पर बैठा होता, और यहाँ से मैं सीधा शॉर्टकट मार के नीचे आ गया हूँ, और मैं जा रहा हूँ थोड़ा नहाने के लिए भाई, तो रास्ता बहुत खतरनाक है भैया। तो भाई काफ़ी अच्छी जगह है, पुल देख रहे हो भाई पुल, तो अपन बच जाएगा वहाँ नहाने के लिए भाई उस साइड। तो भाई धूप बहुत खतरनाक लग गई, अभी कुछ टाइम पहले मतलब बारिश वाला मौसम हो गया था, तो अब अच्छा मौसम हो गया दोबारा, तो यहाँ भाई एक मेला सा लगा हुआ, काफ़ी लोग हैं यहाँ पर। भाई भाई क्या जगह है ना, देख रहे हो भाई लोकेशन देख रहे हो आप, ये शिवपुरी के पास है, ठीक है, वहाँ पर पुल है, जब ऋषिकेश जाते होंगे तो पुल दिखता होगा, वो बाईपास रोड पुल है, और वहीं से नीचे आने के लिए भी ये रास्ता, आप चाहते हैं भाई इंजॉय करने के लिए आ सकते हो। वैसे तो मैं भाई अपने काम से आ रहा हूँ यहाँ पर, कपड़े धोने के लिए आ रहा हूँ, और नहाना भी है भाई।
देख रहे हो गाड़ियों की, यहाँ बाहर गाड़ियों की भीड़। और यहाँ पर राफ्टिंग होते हुए भाई देख रहे हो राफ्टिंग, सब काफ़ी भीड़ लगी हुई दूर दूर तक। और हम आ गए नदी के किनारे बिल्कुल भाई, यहाँ पर नहाएंगे थोड़ा, यहाँ पर ही नहाएंगे भाई ठीक है, यहाँ पर कपड़े भी नहीं धोएंगे, हम धोएंगे कपड़े भाई ऊपर साइड, वो जहाँ पर नाला टाइप का है। जूते उठाते अपने भाई और ऊपर चलते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पर नहाने के लिए भाई बहुत बढ़िया है, और मैंने भी अपने जूते साफ कर दिए, मोजे धो दिए, यहाँ पर सारे कपड़े धो दिए जो मैंने पहने भी थे यहाँ से। और तो हमने भाई कपड़े भी धो दिए यहाँ पर और नहा भी चुके हैं भाई, काफ़ी अच्छी लोकेशन है भाई, ये देखो भाई कपड़े धो के पहन भी लिए, अभी सूखे नहीं है वाले, जिनमें मुझे चलना है इनका सूखने का वेट करेंगे, उसका यहाँ से निकल जाएंगे सीधा। हाँ तो भाई मैं वापस आ गया वहाँ से नहा के बिल्कुल, और देखो कच्छा मेरा सर पे टांग, ये कच्छा लगा रखा मैंने क्योंकि भाई यहाँ पर रुक नहीं सकता हूँ, ये कच्छा धूप सर में सूख जाएगा। और पीछे है मेरी कमीज, ये देख रहे पीछे साइड, तो मेरे पास कपड़े हैं मगर मैं चेंज मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि भाई आगे भी मुझे कपड़े चाहिए भाई, इसलिए मैंने चेंज नहीं किए भाई कपड़े। और नीचे का तो सूख गया मेरा, बस ये टी शर्ट रहेगी और ये कच्छा रह गया भाई, ये सूख जाएगा तो पहन लेंगे इसे। और मैं जा रहा हूँ वापस भाई अपने ट्रैक की तरफ। ये पूरा कैंप एरिया है भाई, आहा धूप कैसी लग रही ना भाई। मज़ा आ गया भाई नहा के, बहुत मज़ा। तो भाई यहाँ से ऋषिकेश स्टार्ट हो जाता है और यहाँ से लगभग ऋषिकेश 15 किलोमीटर है भाई, देख रहे हो बहुत भयंकर गर्मी, काफ़ी भयंकर गर्मी हो रही है और धूप भी लग गई है भाई बहुत ज़्यादा, धूप जादू जादू। तो भाई यहाँ से ऋषिकेश 8 किलोमीटर है भाई और 3 बज चुके हैं भाई, देख रहे हो ऋषिकेश 8 किलोमीटर, हरिद्वार 28 किलोमीटर। तो भाई ये अच्छी बात है कि बोर्ड आ रहा है, पता चल जाएगा मुझे। तो यहाँ से भाई ऋषिकेश 7 किलोमीटर पे है अभी, लगभग मैं इतनी दूर से 1 किलोमीटर ही आया, 1 किलोमीटर आया भाई, और देख रहे हो इतनी भयंकर धूप हो रही, यार पता ही नहीं चल रहा है भाई, मुझे तो ये लग रहा है मैं 2 किलोमीटर आ गया मगर बोर्ड पे देखकर ऐसा लग रहा है कि 1 किलोमीटर ही आया भाई, मैं क्या करूँ यार, धूप में माइंड सड़क जाता है ना भाई, पता नहीं चल रहा इसमें। तो भाई यहाँ से लक्ष्मण झूला साफ दिखाई दे रहा है, देख रहे साफ दिखाई दे रहा है। तो अभी लगभग 4 किलोमीटर पे है, 4 या 5 किलोमीटर पे यहाँ से ही ऋषिकेश, और नीचे भीड़ देखो भाई, और क्या भयंकर भीड़ लगी हुई है राफ्टिंग के लिए, नीचे देख रहे हो भाई। हाँ हाँ तो भाई हम पहुंच गए लक्ष्मण झूला भाई, तो यहाँ से लक्ष्मण झूला का स्टार्ट हो जाता है यहाँ से भाई लक्ष्मण झूला। Thank you.
तो यहाँ से ऋषिकेश भाई 2 किलोमीटर है खाली बस। तो भाई ऋषिकेश लग यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर है। अभी मैंने खाना नहीं खाया भाई, लगभग 4 बज चुके हैं, 4 या 5 बज चुके हैं, कितने बज गए हैं, हाँ 4 बज गए हैं भाई। ठीक है, ऋषिकेश पहुँच के बाद खाना खाएंगे यार, भूख काफ़ी लग गई है मेरे को बहुत ज़्यादा। तो भाई ऋषिकेश पहुँच गया हूँ और थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद चलेंगे यहाँ से। यहाँ पर खाना नहीं मिल रहा भाई कहीं, पता है मतलब खाना ही नहीं मिल रहा भाई सही में यार। मैं 2-3 होटल में पूछ गया, खाना का कोई मतलब नहीं मिल रहा, समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ। अभी मुझे काफ़ी आगे जाना है भाई, ठीक है, और वहाँ पर गुरुद्वारा है, आज गुरुद्वारे में रहूँगा। पहले वहाँ जाता हूँ, देखता हूँ रूम मिलता है कि नहीं मिलता है भाई, पहले खाना खाऊंगा उसके बाद रूम ढूंढूंगा। चलो चलते हैं भाई। तो भाई अपना खाना आ गया है, और सही में कह रहा हूँ कि पूरे मतलब बोल सकते हैं भाई चावल तो भाई थे नहीं भाई, अभी रोटी खानी पड़ेगी क्योंकि मेरे को दिन में चावल खाना पसंद है, रोटी नहीं खाता हूँ भाई बहुत कम चांस, अगर भूख में खाना पड़ेगा। और उसके बाद मैं सीधा रूम पे जाऊँगा क्योंकि आज भी काफ़ी थक गया हूँ, लगभग 30 किलोमीटर का ट्रैक मारा है मैंने, ज़्यादा बड़ा अंदाज मगर हाँ ठीक था भाई जैसा भी था। अब धूप भी थी, मौसम भी अच्छा था, धूप भी अच्छी थी, ऐसी बात नहीं आज। चलो रूम देखते हैं अपने लिए, उसके बाद बात करते हैं आपसे। तो भाई खाना खा लिया मैंने, अब मैं जा रहा हूँ गुरुद्वारे में भाई रूम देखने के लिए, मतलब रूम पता करने के लिए भाई। तो भाई ये है ऋषिकेश का गुरुद्वारा, और हम इस गुरुद्वारे के अंदर जाएंगे, रूम पूछेंगे, अगर रूम होगा तो भाई अच्छी बात है, नहीं होगा तो काफ़ी दिक्कत होगी उसके बाद। चलते हैं एक बार गुरुद्वारे के अंदर। तो भाई हमें रूम मिल गया है, देख रहे हो आप, ये पर्ची टाइप की मिलती है, अगर रूम मिल जाए आपको तो। मेरा रूम है HC3 है भाई, काफ़ी लंबा रूट है भाई, काफ़ी लंबा है, मुझे वहाँ जाना है। तो भाई मैं रूम पे पहुँच चुका हूँ, और ये हॉल है भाई, यहाँ पर कोई पैसा नहीं पड़ता है, फ्री में है, मतलब खाली एंट्री करनी है और आप यहाँ रह सकते हो गुरुद्वारे में। तो ये मेरे लिए काफ़ी बढ़िया हुआ, और लगभग मैं 5 बजे पहुँच चुका था यहाँ भाई, उसके बाद 5:30 बजे खाना खाया मैंने, और 6 बज चुके हैं, और उसके बाद रूम ढूंढने के लिए निकलने बैठ गया, और गुरुद्वारा ढूंढ लिया, और रूम भाई ये रहा देखो, और यहाँ मैं सो रहा हूँ। तो ये पूरा हॉल है, यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, सारे यात्रीगण हैं। तो भाई बस आज के लिए इतना ही भाई, और कल मैं जाऊँगा देहरादून भाई। तो भाई देख रहे हो गुरुद्वारा कितना प्यारा लग रहा है रात के टाइम पे, लगभग 7 बज चुके हैं भाई, और हम भी अभी सोएंगे, थोड़ा हवा खाने के लिए बाहर आए हैं भाई, काफ़ी अच्छी हवा चल रही है यहाँ पर, काफ़ी बड़े एरिया में है गुरुद्वारा भाई, देख रहे हो आप, बहुत दूर तक है, वो भी उधर भी सारा गुरुद्वारा है इस साइड,